हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपको रेनी सीजन के अंदर क्या ट्रेनिंग करनी है, किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों को करना है और आपका राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए। देखिए अगर आप ऑफ सीज़न में अच्छी ट्रेनिंग करेंगे तो ऑन सीज़न के अंदर आपको इसके बहुत सारे रिजल्ट्स मिलने वाले, बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलने वाले और आपके गेम जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो इस ऑफ सीज़न को जो आपके सामने आ रहा है, आपको उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। आपने उसमें लगातार ट्रेनिंग करनी है। कोई भी दिन का आप नहीं देखना कि जो मेरा शेड्यूल है क्या मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, राइट। तो वीडियो करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके माइंड के अंदर भी कोई सवाल है क्रिकेट से जुड़ा हुआ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ पर जाएँ और उसको ज्वाइन करें और क्वेश्चन के आंसर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी ऑफ सीज़न के अंदर। ध्यान रखिएगा, अगर बारिश हो रही है तो भी अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो भी अच्छी बात है। जो भी आपका वर्क रूटीन है वो आपको फॉलो करना ही करना है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि अगर आज बारिश होगी तो घर पे आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरा, आपने क्या करना है, आपको कोई इंडोर प्रैक्टिस ज्वाइन नहीं करनी। आपको अपनी बैटिंग बॉलिंग पे कम ध्यान देना है। आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपकी फील्डिंग पे और आपकी फिटनेस पे। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो अभी भी स्किल कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि यार मैं इस सीज़न में ना, मतलब अगर मैं इंडोर कोई ज्वाइन कर लेता हूँ तो वहाँ मैं अपनी बैटिंग बॉलिंग अच्छी कर लूँगा। बिल्कुल भी नहीं, आपको फिटनेस करनी ही पड़ेगी, कोई और चांस नहीं है। तो ये दो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, राइट। इसके अलावा आपको करना क्या है, आपको ये समझना है। मैं शेड्यूल भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो नोटबुक लेके बैठना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आप अकेडमी जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने अकेडमी के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे ऑफ सीज़न के अंदर। और अगर आप अपने अकेडमी के अंदर नहीं जाते, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया या अभी आप घर पर हैं किसी कारणवश, तो आपको जो मैं शेड्यूल दे रहा हूँ उसको आप ईजिली फॉलो कर सकते हैं, जो आपके लिए ढेरों रिजल्ट लेकर आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको मंडे की ट्रेनिंग में क्या करना है, फिर ट्यूसडे में क्या करना है, वेडनेसडे में क्या करना है, पूरे वीक में आपने क्या करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। अब एक बिगिनर है या मीडिएटर है, तो दोनों के लिए मैं शेड्यूल शेयर करने वाला हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर मैं आपसे मंडे की बात करके चलूँ तो आपको 2 सेशन में ट्रेनिंग करनी है, एक तो मॉर्निंग सेशन में और एक इवनिंग सेशन में। कमेंट करके बताइए कब कब करनी है, मॉर्निंग सेशन में और इवनिंग सेशन में। मॉर्निंग में आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपको फिजिकल फिटनेस करनी है, राइट। आप मंडे की मॉर्निंग में सुबह उठेंगे, कम से कम 20 से 25 मिनट की या 30 मिनट की कॉन्टीन्यूस रनिंग करेंगे, इसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस रनिंग, लॉन्ग रनिंग बोलते हैं जिसको हम, राइट। आपने ये करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कम से कम 15 से 20 मिनट का एक अच्छा स्ट्रेच करना है, ताकि आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल भी बना सकें, राइट। उससे आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा जब आप 30 मिनट रनिंग करेंगे। तो मंडे की मॉर्निंग में आपने ये करना है। फिर इवनिंग में आपने क्या करना है, इवनिंग में आपने फील्डिंग सेशन लगाना है। अपनी टीम के साथ लगा सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ लगा सकते हैं। आपको ग्राउंड फील्डिंग करनी है, आपको कैचिंग करनी है, शॉर्ट कैचिंग करनी है, हाई कैचिंग करनी है। ये सारी एक्टिविटी करेंगे। कितने घंटे का सेशन होगा, कम से कम 1.5 घंटे का सेशन होगा, 1.5 से पौने 2 घंटे का। ये आपने शाम को करना है। फिर शाम को आपको क्या करना है, लाइट स्ट्रेच करना है। उसके बाद आप घर जाएंगे। अगर आपके अंदर एनर्जी बचती है शाम को, तो शाम को 7 या 8 बजे के अराउंड आपको नॉर्मल बॉडी वेट की एक्सरसाइज करनी है, लाइक पुशअप्स, स्क्वाट्स, क्रंचेस, लंजेस, ये सारी चीज़ें करनी है आपने। और कितना करेंगे, हर एक्सरसाइज से कम एक, मतलब एक एक्सरसाइज में आपको कम से कम 3 सेट करने और 10-10 रैप होने चाहिए। यानी कि अगर मैं पुशअप कर रहा हूँ तो मुझे 10 पुशअप मारने हैं, ये एक सेट हुआ। उसके बाद फिर पुशअप मारने, ये दूसरा सेट हुआ। फिर पुशअप मारने, ये तीसरा सेट हुआ। एक एक्सरसाइज के 3 सेट, उसमें 10 रैप, यानी कि 10 बार करना है। अगर मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, 10 बार मुझे स्क्वाट्स मारना है, इस तरह के 3 सेट, राइट। इसी तरह क्रंचेस का हो गया, इसी तरह लंजेस का हो गया, इसी तरह बैक की एक्सरसाइज का हो गया, राइट। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, आप उसको देख सकते हैं। तो ये आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको ट्यूसडे को क्या करना है, ट्यूसडे को आप ग्राउंड के अंदर जाएंगे। आपको कौन सेट करना है, 20 मीटर पे और 30 मीटर पे। जैसे कि 20 मीटर आपने क्या करा कि आपने यहाँ पर, सपोज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से लेके पीछे तक आपने 20 कदम नापा और वहाँ पर एक ईंट या एक कोन रख दिया। फिर आपको यहाँ से स्प्रिंट मार के जाना है, वहाँ से वापस चल कर आना है, स्प्रिंट मार के जाना है, वापस चल कर आना है। ये आपने करना है। इसका आपने कितने रफ्स करने हैं, कम से कम आपने करने हैं इसको 10 से 15 टाइम्स। कोशिश करें 10, उसके बाद फिर 30 मीटर का लें। पहले आपने 20 मीटर के करे 10, फिर 30 मीटर के, फिर से 10। 30 मीटर पे आपने एक कोन रखा, उसके बाद 30 मीटर का आपने कदम नापा, वहाँ पर आपने कोन रख दिया, राइट। फिर आपने वहाँ से 10 रेपिटेशन करने, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 रेपिटेशन हो जाएंगे। तो ये आपने करने। इसके आप 2 सेट भी कर सकते हैं। सेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान के चलते कि आपने 20 मीटर के 10 स्टार्ट मार लिए, फिर आपने 30 मीटर के फिर 10 स्टार्ट मार लिए, तो टोटल ये एक सेट होगा। उसके बाद सेकंड सेट के अंदर भी फिर आपने 10 स्टार्ट मारने, फिर 30 मीटर के 10 स्टार्ट मारने। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, तो आप 5-5 के सेट भी कर सकते हैं। समझ में आ गया। फिर से बता देता हूँ, मान के चलते कि आपने 20 मीटर और 30 मीटर में 10-10 सेट मारे तो टोटल कितने हो गए 20, एक सेट 20 का और फिर जो सेकंड सेट में आप जाएंगे फिर से एक सेट 20 का, तो 40 हो गए। आप 40 सेट मतलब 40 बार ना करके आप इसे 20 बार भी कर सकते हैं, 5-5 के सेट भी कर सकते हैं। वो आपके स्टेमिना पर डिपेंड करेगा, धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ेगा, एकदम नहीं बढ़ेगा। फिर आपको शाम को क्या करना है, मॉर्निंग में तो आप नहीं कर ले ट्यूजडे में, शाम को क्या करना है सेम चीज़ को रिपीट करना है जो मैंने आपको मंडे के अंदर बताया। इसको लिखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना पूरी वीडियो के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिर वेडनेसडे मॉर्निंग के अंदर क्या करना है आपने, वेडनेसडे मॉर्निंग के अंदर रेस्ट करना है, बिल्कुल फर्स्ट हाफ में रेस्ट करना है। और शाम को उस दिन बैटिंग बॉलिंग की ड्रिल्स करनी है आपने। अगर आप एक बैट्समैन है तो नॉकिंग करिएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्वीप की, कवर ड्राइव की, डिफेंस की, ड्राइव की, जो भी शॉट आप डेवलप करना चाहते हैं। और अगर आप एक बॉलर हैं तो अपनी एक्शन ड्रिल कर सकते हैं, रिदम रनिंग कर सकते हैं, जो भी आपको कोच ने होमवर्क दे रखा है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो आपको वेडनेसडे को ये करना है। उसके करने के बाद आधे घंटे 40 मिनट की फील्डिंग सेशन जरूर करें वेडनेसडे को, ठीक। उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे को, जो आपने मंडे ट्यूसडे को शेड्यूल बनाया था वही आपको थर्सडे फ्राइडे को रिपीट करना है, समझ आ गया आपको, वही आपको थर्सडे फ्राइडे को रिपीट करना है, ठीक। उसके बाद सैटरडे को, फिर से सैटरडे को वेडनेसडे जैसे शेड्यूल करना है। मतलब वेडनेसडे को, जैसे वेडनेसडे आपने फर्स्ट हाफ रेस्ट लिया था तो सैटरडे को आपको फर्स्ट हाफ रेस्ट लेना है और सैटरडे की इवनिंग में क्या करना है, अपनी स्किल्स प्रैक्टिस करनी है और 40 मिनट की फील्डिंग करनी है आपने। इस तरीके से आपने चीज़ें करनी है, राइट। और संडे का आप कंप्लीट रेस्ट लेंगे, उस दिन क्रिकेट की कोई चीज़ नहीं करेंगे आप, ना क्रिकेट देखेंगे ना ग्राउंड में जाएंगे, आप कुछ नहीं है उस दिन आपको कहीं और जाना है, क्रिकेट से बिल्कुल कट ऑफ हो जाना है ताकि आप मंडे के लिए रिचार्ज होकर आ सकें। तो एक बेसिक सा शेड्यूल है जो मैंने अभी आपको बताया, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको पूरा शेड्यूल समझ में आ जाएगा। इसके साथ एक बोनस टिप्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं। जिस दिन आपके आसपास ग्राउंड के अंदर बारिश हो जाए, आपको लगता है कि यार बारिश हो गई आज मैं मतलब ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकता, उस दिन क्या करोगे? उस दिन आपको सुबह उठते के साथ ही पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वाट्स, लंजेस, क्रंचेस, पुशअप्स ये आपने करने हैं। आप थायरा बैंड से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप थायरा बैंड एक परचेस करें, उसके बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, उसके बाद जब आप सुबह स्ट्रेंथ कर लेंगे फिर आपको शाम को क्या करना है, आपको मेंटल ट्रेनिंग करनी है। मेंटल ट्रेनिंग में आपने क्या करना है, अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं तो आपको मेडिटेशन करना है, 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम। अगर आपके माइंड में आपकी पिक्चर क्लियर नहीं है, समझ रहे हो ना, जब आप बैटिंग करते हो तो आपका जो होता है कि शॉट में आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको लगता ही नहीं कि आपके माइंड में आपकी पिक्चर क्लियर नहीं है, तो आप विजुलाइजेशन ज़रूर करिएगा। आपको अपने गेम के बारे में सोचना है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, मैं अगर बैटिंग करने जा रहा हूँ तो मेरा कैसा कॉन्फिडेंस होगा, अपने बारे में विजुलाइज़ करना है आपने, राइट। इसको भी आप कर सकते हैं, इसको भी आप वीक में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं, 20 मिनट सुबह कर सकते हैं, 20 मिनट शाम कर सकते हैं। अपने आप की इमेज को क्लियर करना है, अपने आप को अच्छा बैटिंग करते हुए देखना है, अपने आप को अच्छा बॉलिंग करते हुए देखना है, राइट। कंपटीशन में जो आपको कंपटीशन आने वाला है आफ्टर ऑफ सीजन, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको परफॉर्म करते हुए अपने आप को देखना है। ये आपको मेंटली बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है, बहुत बेसिक सा शेड्यूल है। अगर आप अपने आप को और डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल डेप्थ का शेड्यूल लेना चाहते हैं हमसे, आप एक एक चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं कि मेंटल मुझे कितना ट्रेनिंग करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें मेरे को करनी पड़ेंगी, तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर जाएँ, वहाँ पर क्वारी रेज करें, वहाँ पर हमारे जो एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और डेफिनेटली सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो एक बेसिक शेड्यूल था, इसको फॉलो करें। एंड वन मोर थिंग बताना चाहूँगा, अगर आपके 18 से प्लस हो चुकी है तो आप जिम में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राइट। तो इन टिप्स को फॉलो करें गाइस, आगे बढ़ें और रेनी सीजन के अंदर कुछ अच्छा करके दिखाएं, अपनी फिटनेस को डेवलप करें। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।